हसन अली भाई हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आजकल शादियों में लड़का लड़की एक साथ डांस करते हैं और बाकायदा जो कजन्स होते हैं वो पहले से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो इस तरह उनका करना कैसा है? डांस मिलके करें या इलेदा इलेदा करें, दोनों सूरतों में हराम है। रक्स जो है ये इस्लाम के अंदर हराम कतई है और इसकी हुरमत जो है मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है जिसका दीन से ताल्लुक़ है और जो दीन की कुछ समझ रखता है। हमारे दीन का बुनियादी उसूल है शर्म व हया। शर्म व हया के बारे में फरमाया कि अल हया शुबतु मिनल ईमान। हया जो है ये ईमान का बड़ा बुनियादी शोबा है, मरकज़ी शाख है। और फरमाया अल हया मिनल ईमान, हया ईमान में से है, यानी ये ईमान का हिस्सा है। तो लिहाजा रक्स जो है ये चूँकि इस शर्म व हया के ख़िलाफ़ एक बगावत है और ये उसका उलट और उसका बरअक्स है, तो इस्लाम के अंदर इसकी हरगिज़ हरगिज़ इजाज़त नहीं है। अब रहा कि शादी ब्याह के मौके पे ऐसा किया जाता है, तो शादी ब्याह के मौके पे जैसे और बहुत सारे हराम काम होते हैं और हमारे मुआशरे में रवाज पकड़ चुके हैं, इसी तरह ये रक्स वाला काम जो है ये भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका रोकना, जो इसे रोकने की ताकत रखते हों, जैसे ख़ानदान के अंदर बड़े होते हैं, बाप है या बड़ा भाई है या ख़ानदान का ऐसा सरकर्दा फ़र्द कि जिसकी सुनी जाती है, मानी जाती है, जो इसे रोक सकता है, तो उस पर फ़र्ज़ है कि इसे रोके, और नहीं रोकेगा तो वो भी गुनाहगार होगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से जो ख़वातीन इस तरीके से उस रक्स में शिरकत करती हैं, ख़ावत दुल्हन है या दूल्हा की बहनें हैं या वो और कोई इस तरह की जब वो ख़वातीन हैं, तो बहरहाल इन सब के वो रिश्तेदार कि जो देखते जानते बूझते और मना करने की कुदरत रखने के बावजूद इससे नहीं रोकते, शरीयत की इस्तिलाह में उन्हें दयूस कहा जाता है। यानी दयूस से मुराद वो शख्स कि जिसमें गैरत नहीं है, और ऐसे के बारे में फरमाया कि जो दयूस आदमी है, जो गैरत से खाली और गैरत से बिल्कुल आरी है, ये जन्नत में दाखिल नहीं होगा।